मऊगंज को जिला बनाने की बात कही जा रही है, अगर जिला बनता है तो क्या लाभ मिलेगा मऊगंज को? अब मऊगंज को बहुत ही लाभ मिलेगा, आने वाले समय में ये एक बड़ी सिटी टाइप बन जाएगी और हर एक चीज़ का जो रीवा जाना पड़ता है तो रीवा ना जाने से यहीं पे काम हो जाया करेगा। मतलब हम लोगों को 25 किलोमीटर ही ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा बस। तो हनुमाना तो बिल्कुल अंतिम छोर पे है उत्तर प्रदेश के। जी जी। और हनुमाना से रीवा काफ़ी दूर पड़ जाता था, तो मऊगंज जिला बनने से ये फायदा होगा कि कम से कम 25 किलोमीटर में जिला मुख्यालय हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हो सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में अगर जब इसी प्रकार से अगर नेता लोग अगर सही ढंग से करेंगे तो ऐसा नहीं है, शिक्षा की उसमें भी कॉलेज और नई स्कूलें बनाने के लिए हो सकता है कि कुछ करें। रोजगार के अवसर सृजन हो सकते हैं कुछ? अब रोजगार के लिए तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई कंपनी या कोई फैक्ट्रियाँ नहीं गढ़ेंगी तब तक कोई भी यहाँ पे रोजगार नहीं है। सुखेन सिंह बन्ना इससे पहले विधायक थे, अब वर्तमान में प्रदीप पटेल विधायक हैं, किसका कार्यकाल बेहतर? वैसे कही जाए तो सुखेन सिंह बन्ना के ज़माने में उतना ज़्यादा नहीं था, कार्यकाल तो इन्हीं का ठीक है, क्योंकि केंद्र से पैसा जो आता है तो आजकल देख रहे हैं कि हर जगह पर घर बन रहे हैं और 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं और कई ठो योजनाएं चल रही हैं, उसमें बहुत लाभ हो रहा है। नहीं, हम स्थानीय क्षेत्र के विधायक की बात कर रहे हैं, किनका बेहतर था? स्थानीय में तो खैर सुखेन सिंह बन्ना का ही था। आप बीजेपी की रैली में आए हुए हैं लेकिन ईमानदारी से सुखेन सिंह बन्ना को कह रहे हैं कि उनका बेहतर था। प्रदीप पटेल से आखिर असंतुष्टि किस बात की है, मुख्य असंतुष्टि क्या है लोगों की? लोगों से वो जुड़ते ही नहीं है। तो विधायक कैसे बन गए? अब विधायक तो उस समय मोदी की लहर थी और मोदी ने इतना काम दे दिया था कि इस वजह से जीत गए थे। इस बार भी जैसे ये जिला बन जाता है और लाडली बहना योजना एक शुरू हो रही है 1000 रुपये वाली, और भी कई सारी चीज़ें, विकास यात्रा भी चली, विकास यात्रा में लोगों को योजनाओं का लाभ दिया गया, तो इस बार भी उसी उम्मीद में प्रदीप पटेल निकल जाएंगे या फिर मुश्किल हो जाएगी? अब ये तो समय बताएगा अब हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आपके मन में क्या है कि इनको रिपीट करना चाहिए या उम्मीदवार बदल देना चाहिए? अभी हम अब ऐसे कैसे कह सकते हैं, अभी समय बताएंगे। आप बीजेपी नेता हैं क्या? नहीं, हम कोई नेता नहीं है, हम कर्मचारी हैं, लेकिन हम लोग जिसकी शासन सत्ता है उसी के रहते हैं, हम लोग किसी की तरफ नहीं रहते हैं, जो हाँ जो अच्छा करता है उसी की तरफ है हमेशा, जो सरकार में है वही हमारा है। जी जी।